नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल कुशवाहा सिंह में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो आप SSGD 2018 में फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उसमें आप कौन सा पोस्ट पहले भरे, कौन कौन सा पोस्ट प्रीफ्रेंस में आप दे सकते हैं, एक नंबर दो नंबर ऐसे आपको मांगेगा। तो आज इसके वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इसी के पोस्ट के, कैसे आप पोस्ट को भरेंगे। तो मैं बता दूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो में लाल बटन लिखा सब्सक्राइब प्लीज दबा दें, और भी इसे अपडेट पाने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उसमें आपको सारी डिटेल्स मैं अपलोड कर चुका हूं। नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, इसलिए कि सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा आज में कि किस किस पोस्ट में आपका प्रीफ्रेंस देना चाहिए तो अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड, मैं बिना देरी किए आपको मैं बताऊँ कि आप पहले पोस्ट में कौन सा डालें और आपको कैसे कैसे प्रीफ्रेंस होना चाहिए कि आप डालें तो आपका रिजल्ट हो जाए। आपको मैं बता दूं, आप थोड़ा पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपको पहले नंबर में NIA डालना चाहिए पोस्ट। इसका भर्ती बहुत कम आता है, इसका देखिए इसमें पोस्ट इसका 8 ही है। ये बहुत ही मतलब फोर्स में आसान है, मतलब एक नंबर पर जाता है, इसलिए इसमें फोर्स में ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, ये बहुत ही आसान माना जाता है इसको, इसलिए इसका भर्ती बहुत कम आती है। ये समझिए तो सिविलियन टाइप के ही फोर्स होते हैं। सेकेंड नंबर में आप बात करते हैं SSF, ये आप सेकेंड नंबर में अपना डाल सकते हैं प्रीफ्रेंस में। आपको आप स्टडी के मामले में देखे जाए तो पोस्ट के मामले में आप थोड़ा दूसरा भी हम आपको बताएंगे, पहले स्टडी के मामले से मैं बता रहा हूँ कि आप डाल सकते हैं ये 2 नंबर पर। इसका भी वैकेंसी बहुत कम निकलता है, आपने देखा भी होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं 3rd नंबर पर कौन सा डालें। 3rd नंबर पर आपको पड़ेगा आप SSB, आप SSB को 3rd नंबर में डाल सकते हैं। उसके बाद आप 4th में CISF, 3rd में SSB और 4th में CISF। आप थोड़ा सा ये थी हैं तो इसमें 3 और 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 3 किसको करें या 4 किसको करें, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है 3 और 4 में। अब मैं बात करता हूँ इसके, देखिए अब इसमें आप डाल सकते हैं AR असम राइफल को आप डाल सकते हैं 5 नंबर पे, ठीक, इसलिए इसमें भी उसके बाद ये पोस्ट थोड़ा थोड़ा होते हाई होते जाता है। उसके बाद आप बचता है ITVP और CRPF और BSF, ITVP और CRPF, 3 पोस्ट बचा है। तो आपको मैं अनुसार से पहले आपको 6 नंबर में आपको डालना चाहिए CRPF, फिर आपको BSF 7 नंबर, उसके बाद आप 8 नंबर में डाल सकते हैं ITVP, ये तिब्बत पुलिस होते हैं ITVP वाले उसके। चलिए फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ, ये तो आप एजुकेशन के अनुसार डालें, आपको पोस्ट के अनुसार डालना है कि आप किस पोस्ट में डालें तो आपको अच्छा होगा कि आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूँ कि आप में सबसे अधिक पोस्ट अभी हम आपको दिखा दें तो BSF, उसके बाद CRPF, ठीक है। तो आप पोस्ट के अनुसार से डालना चाहते हैं तो CRPF 1 पर या BSF 1 पर करके डाल सकते हैं, ठीक है, एक एक, या आप BSF को 2 पर तो CRPF को 1 पर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद पोस्ट के अनुसार ये हो गया 2 पोस्ट, फिर आपको इसमें पोस्ट के अनुसार फिर एक और मैं बता दूँ आपको SSB और ITVP, आप इसको 2 चुन सकते हैं, उसको आप डाल सकते हैं 3 और 4 में। तो फिर बचता है 4, तो आप अपना पोस्ट के अनुसार से डाल रहे हैं। तो फिर आपको देख लीजिए यहाँ CISF में 180 ही पोस्ट है और फिर यहाँ SSF में है, तो SSF और CISF आपको डाल सकते हैं। इसलिए इस सब का जो पोस्ट होता है जो हाई में मैंने BSF और SSB और CRPF इस सब का है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, 60 के आसपास कट ऑफ रहता है, इसलिए इस सब आप डाल सकते हैं, इससे हाई लेवल तो जाता नहीं है। हाई लेवल जाता नहीं है उतना, तो आप ये डाल सकते हैं। फिर आप ITVP डालते हैं,
तो इसका भी कटअप कोई हाई नहीं जाता, इसलिए आप पोस्ट के अनुसार से डाल रहे हैं। आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा वीक भी है तो इसमें चल जाएगा, इसलिए कि आप BSF डालें, CRPF डालें और ITBP डालें और SSB डालें। पहले आपको बोला 1 नंबर BSF, 2 नंबर ITBP, 3 नंबर CRPF, 4 नंबर SSB। आप इस तरह डालते हैं, थोड़ा आपका पढ़ाई वीक है इसके लिए मैं बात करता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 में आप डाल सकते हैं, इसलिए इसका कटअप देखिए BSF वगैरह भी थोड़ा कम आता है, ITBP का भी कम आएगा, CRPF का भी कम आता है और SSB का, और सब ये चारों है इसका थोड़ा कटअप हाई जाता ही जाता है। असम राइफल का भी कटअप हाई ही मतलब रहता है, आप 5 नंबर में असम राइफल भी डाल सकते हैं। चलिए, और भी इसको जानकारी चाहिए इससे तो मैं आपको बोला अपने प्ले लिस्ट में देख लीजिए, और इससे नया अपडेट मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ कि आप किस स्टेट में फॉर्म भरें कि आपका कटअप कम रहेगा।